जहां एक और मध्य प्रदेश सरकार में बैठे प्रदेश के मामा कहते हैं कि मामा फार्म में अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा। जो बोलना साबित नजर आ रहा है, प्रदेश के दतिया जिले में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि प्रशासन के अधिकारियों को भी निशाना बनाने में नहीं चूकते। विगत कुछ दिन पूर्व भांड्रे SDM अरविंद माहौर पर निरीक्षण के दौरान खनन माफियाओं ने निरीक्षण के दौरान अभद्र व्यवहार एवं सुरक्षा गार्ड पर कल रात की घटना है। हमारे लोग सरकारी फ्लाइंग के साथ थे, तो वहाँ वो भरौली गांव के पास ट्रैक्टर आ रहे थे, दो तो हमारी सरकारी फ्लाइंग थी, उन्हें रोकने का प्रयास किया। रोकने में एक ट्रैक्टर पर तीन लोग बैठे थे, एक मोटरसाइकिल पर तीन लोग थे, दूसरी मोटरसाइकिल तीन लोग थे, ऐसे नौ लोग थे। तो वो जैसे ही ट्रैक्टर पर उतर के इनने एक 12 बोर का कट्टा या दिया कहें उससे फायर किया तो हमारे एक पुलिस के जवान के हाथ में गोली लगी और दूसरे का हाथ में भी थोड़ी चोट लगी। और एकदम से इन्होंने ट्रैक्टर भगाए, हमारे लोग जान बजा के उधर को भागे और इन्होंने जो है ट्रैक्टर पर एक पलट दिया, एक भूरे में फंसा दिया। चूँकि गांव नज़दीक था तो हमारे लोग वहाँ से भाग गए। जो सारी घटना की पुलिस में रिपोर्ट की, जो जानकारी थाना इंद्रगढ़ से प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये है कि रेत के जो ठेकेदार हैं उनको सुरक्षा गार्ड दिया गया है। उन सुरक्षा गार्ड और अन्य उनके कर्मियों द्वारा, उनके स्टाफ के द्वारा ग्राम भरौली है जो थाना क्षेत्र इंद्रगढ़ का है, उनके द्वारा दो ट्रॉली पकड़ी गई थी। उस ट्रॉली को पकड़ने के दौरान वो लोग भागे हैं और उन्होंने पकड़ने का काफ़ी प्रयास किया, तो आरक्षक एक बंटू सिंह कुशवाहा है जो 1st बटालियन का आरक्षक है, उसको हाथ में गोली लगी है और वो स्वस्थ है, उसका इलाज हो चुका है। डॉक्टर के द्वारा गोली बाद में निकालने का ऑपरेशन के द्वारा बताया गया है और उनके विरुद्ध थाना इंद्रगढ़ में अपराध क्रमांक 32/21 धारा 307/34 अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।